कृषि अनुसंधान परिषद मेरठ द्वारा वित्त पोषित अखिल भारतीय शोध परियोजना के 46वें प्रशिक्षण कार्यक्रम और 10वें पशु स्वास्थ्य शिविर के आयोजन पर, इसमें अब तक परियोजना के अंतर्गत 10 जो है पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 340 जानवरों का जो रिपीट ब्रीडर्स हैं, जो हीपर्स में जो प्रॉब्लम आती है दूसरे तीसरे ब्यांत में जो है, उनका जो है उपचार किया गया उसमें। कि जानवर जैसे प्रेगनेंसी हुई तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन से ही उसको चारा दाना का ध्यान रखते हैं, जिससे कि हेल्थ मजबूत रहे। तो उसके दो फायदे होते हैं, एक तो समय से उबे आ जाती है और जेर समय से निकाल देती है। ये ज़्यादातर इसका संबंध जो है दो चीज़ों से है, एक तो उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, बिल्कुल भी टोन नहीं है बॉडी में, सब बांध करके जानवर रहते हैं, और उसमें हम उसको एक्सपेरिमेंटल डाइट देते हैं, मतलब कि इतना ये दाना, इतना चारा, इतना ये, इतना भूसा, एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई ना कोई मिनरल्स की या विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आपको विदित होगा, पता होगा कि करीब 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हमारा देश करता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे विशेषकर जो दूसरे नंबर पर देश है वो अमेरिका है, और अमेरिका का जो उत्पादन है वो आपसे करीब आधा है। न सिर्फ हमारे किसान भाइयों का, हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा है, तो वो आपके कारण है। भारत सरकार की भी विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, प्रदेश सरकार की भी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि किसान की आय बढ़ाने में अगर कोई एक सेक्टर सबसे अहम भूमिका निभा सकता है तो वो शायद पशुपालन है। फिर जो दाना खिला रहे हो आप खरीद करके या अपने घर का बना के, उसके रेट बहुत ज़्यादा है। आज के दिन दाने का रेट आप खरीदने जाओ तो कितना ज़्यादा रेट है, उस रेट से अगर आप दाना खिलाओगे तो दूध का दाम आपको फ़ायदा कम मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो खिलाई पिलाई का कार्यक्रम है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रजनन में एक अंग यह परियोजना देख रही है, मूल रूप से बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन जो हमें ध्यान देने योग्य बात है कि समय पे ऋतुमयी हो और समय पे उसका गर्भाधान हो और उचित आयु पे कार्य संपादित किया जाए, तो उसकी जो आनुवंशिक क्षमता है, कैसे अगर 22 महीने में उसे गाभिन हो जाना चाहिए और इस समय को हम 33 महीने तक ले जा रहे हैं, 3 साल 4 साल कर दे रहे हैं, तो अपने जीवन में जो उसे उत्पादन देना था उसमें से हमने 10-12 महीने कम कर दिए, जो कभी भी वापस नहीं हो सकते, ये पहला कार्य है। प्रॉपर फीडिंग करेंगे तो हमारी समय से उसकी वृद्धि होगी और समय से जानवर जो है ज्ञापन होगा, जो समय से ज्ञापन होगा उस समय से उसकी ब्याएगी, और समय से ब्याने के साथ ही जो है जानवर हमको दूध देगा।